हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आज आप लोगों को एक DIY प्लांटर बनाना बताऊंगी फ्रेंड, जो मैंने ये प्लांटर बनाया है। फ्रेंड यह देखिए, एक पुरानी पानी की कैनी है मेरे पास, और ये एक कैंची, और एक ये बिंदी का पत्ता जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था। और फ्रेंड ये एक्वेरिक रेड कलर का कलर जो मैंने लिया है। फ्रेंड गरम चाकू कर मैंने इसमें निशान लगा लिया है जहाँ से मैंने कटिंग करना है। और फ्रेंड अब देखिए, मैं कैंची की मदद से इसको काट लूँगी। इस तरीके से फ्रेंड मैं इसको पूरा काट लूँगी। फ्रेंड इसको काटने में थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, पर ये आसानी से कट जाता है। ये इतनी हार्ड प्लास्टिक नहीं होती है पानी की कैनी की। ये देखिए, ये कैंची की मदद से कट गया, कट रहा है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने काट लिया है। और फ्रेंड ऊपर से थोड़ा ये सही नहीं कटी है, तो जो एक्स्ट्रा कटिंग है उसको मैं निकाल दूंगी। अब फ्रेंड ये मेरा पॉट बनकर तैयार हो गया है। और फ्रेंड ये देखिए, मेरे पास जो ये बिंदियाँ पड़ी थी, अब मैं एक एक बिंदी इसके ऊपर चिपका दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ी दूरी दूरी पर बिंदियाँ चिपकाऊंगी इस तरीके से कि जब मैं इसको थोड़ा सा एक्वेरिक कलर से कलर करूंगी तो वो डिजाइन बनकर आए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिंदियाँ चिपका ली हैं। ये देखिए, फ्रेंड पुरानी कैनी पुरानी बिंदियाँ काफ़ी टाइम से ये पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका यूज़ कर एक प्लांटर बना लिया जाए। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसके ऊपर कलर करूंगी। ये देखिए रेड कलर है ये। फ्रेंड टूथपिक की मदद से मैं इसके अंदर अब डिजाइन बनाऊंगी। इस तरीके से मैं इसके अंदर पूरा डिजाइन बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, पूरे में मैं इसी तरीके से ये डिजाइन बनाऊंगी। साइड में गोल बिंदियां हैं और बीच बीच में ये छोटी छोटी बिंदियों से मैंने इसमें डिजाइन बनाया है। ये देखिए फ्रेंड, जब इसके अंदर पूरा डिजाइन बन जाएगा तो एक ये बहुत ही प्यारा सा मेरा प्लांटर बन जाएगा। फ्रेंड इसमें थोड़ी सी मेहनत है, इसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। और फ्रेंड एक बात और, मैंने इस प्लांटर के अंदर कोई होल नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर मैं छोटे से गमले में या गिलास में या बोतल में डालकर कोई प्लांट लगाऊंगी। फ्रेंड ये प्लांट जितने मैं बनाती हूँ, इनको मैं अपने बालकनी गार्डन में या फिर मैं अपने इंडोर गार्डन में, और या फिर फ्रेंड मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में जब मन करे वहाँ इसको रख सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आपके साथ बातें करते करते मैंने अपना प्लांटर तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड
थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी एक छोटी छोटी सी बिंदियां की लाइन बना दूंगी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, आप भी बैठे बैठे कई प्लांटर बना सकते हो घर में बहुत ही आसानी से। फ्रेंड, जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी तो मैं ऐसे ही कुछ प्लांटर बना बनू के पौधे लगा देती थी तो बहुत अच्छे लगते थे। अब तो इतने सारे धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, अपने हाथ के प्लांटर बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मार्केट से भी गमले लेकर आते हैं जो खुद से बनाते हैं, उनको देख के अलग ही खुशी होती है। फ्रेंड ये देखिए, फ्रेंड ये देखिए, अब ये मेरा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको 24 घंटे सूखने के लिए रख दूंगी जो मैंने कलर किया है। ये देखिए फ्रेंड, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है सूख के और कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड मैंने इसको अपने ड्राइंग रूम में रख दिया है और ये देखिए मैंने ग्लास में मनी प्लांट लगाया हुआ है पहले से ही। मेरे पास फ्रेंड ये 6-7 गिलास हैं जिसमें मैंने मनी प्लांट लगा लगा कर रखे हुए हैं। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप कहीं पे भी रख दो, बहुत अच्छी तरीके से ये चल पड़ता है। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी। फ्रेंड आप लोगों को ये मेरा प्लांटर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।